खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ विंकी कालानी। आज हम बात करेंगे तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर पश्चिम बंगाल के बशीरहाट लोकसभा सीट से चुनकर संसद पहुंची सांसद नुसरत जहां की। ऐसा लग रहा है कि नुसरत जहां और विवादों का चूली दामन का साथ हो गया है। पिछली बार भी वेस्टर्न ड्रेस पहनकर सांसद पहुंचने पर उन्हें ट्रोल किया गया था और इस बार मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ा, लाल बिंदी और साड़ी में नजर आने वाली नुसरत जहां ने मंगलवार को संसद पहुंचकर सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण किया। अपनी शादी के चलते उन्हें सांसद के तौर पर शपथ लेने में देरी हुई। मंगलवार को जब नुसरत जहां सांसद के तौर पर शपथ लेने के लिए संसद पहुंची तो पारंपरिक अंदाज में नजर आई। यही बात मुस्लिम धर्मगुरुओं को नागवारा गुजरी और उन्होंने फतवा जारी कर दिया। इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर जैसे बहस ही छिड़ी हुई है। चलिए आपको बताते हैं क्या है यह पूरा मामला। 17वीं लोकसभा में बतौर सांसद पहुंचने के साथ ही विवादों में है। 25 जून को पहली बार हाथों में चूड़ा और मांग में सिंदूर लगाए हुए पहुंची नुसरत के इस पहनावे पर विवाद हुआ था और शपथ लेने के बाद उन्होंने वंदे मातरम कहा। मुस्लिम धर्म गुरुओं के एक समूह ने तो नुसरत जहां के पहनावे को गैर इस्लामी करार देते हुए फतवा भी जारी किया था। मौलवियों ने दावा किया है कि जहां ने जैन धर्म में शादी कर इस्लाम का अपमान किया और उनके वस्त्र को गैर इस्लामिक बताया। सामिया शेख उल हिंद के मुफ्ती असद कासमी ने दावा किया है कि मुसलमानों की शादी मुसलमानों में ही हो सकती है और वे केवल अल्लाह के सामने झुक सकते हैं। इस्लाम में वंदे मातरम, मंगलसूत्र और सिंदूर के लिए कोई जगह नहीं है। ये चीज़ें धर्म के खिलाफ है। उनकी इस तस्वीर को देखकर कई यूजर्स ने आलोचना की। आलोचनाओं का जवाब देते हुए जहां ने शनिवार की रात को ट्वीट किया, किसी भी धर्म के कट्टरपंथियों के बयानों पर ध्यान देना या प्रतिक्रिया देना केवल नफरत और हिंसा को बढ़ावा देना है। मैं समग्र भारत का प्रतिनिधित्व करती हूं जो जाति, पंथ, मजहब के दायरे से परे है। मैं अब भी मुसलमान हूं और किसी को यह नहीं बताना चाहिए कि मैं क्या पहनूं। मजहब कपड़े से परे होता है। कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या शादी के बाद उन्होंने धर्म बदल लिया है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो जन्म से ही इस्लाम को मानती आई हैं और यही उनका धर्म रहेगा, लेकिन वो शादी के बाद पति के घर के रीति रिवाजों को भी फॉलो करेंगी। नुसरत जहां ने अपना धर्म नहीं बदला है, लेकिन अगर उनके पति के घर में कुछ रिवाज है तो उन रिवाजों को पूरा करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वहीं केंद्र सरकार की सत्तारूढ़ भाजपा की महिलाओं नेताओं ने बड़ी संख्या में इनका समर्थन किया है। नुसरत जहां को नवनिर्वाचित सांसद और बंगाल की मशहूर एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती का साथ मिला है। मिमी चक्रवर्ती ने अपनी दोस्त की पोस्ट को रीट्वीट करते हुए उनका समर्थन किया है और लिखा है, हम भारतीय हैं और बस यही हमारी पहचान है। आपको बता दें कि दोनों सांसदों को पिछली बार वेस्टर्न ड्रेस पहनकर संसद पहुंचने पर ट्रोल किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची टीएमसी सांसद नुसरत जहां के समर्थन में उतर आई हैं। साध्वी प्राची ने टीएमसी सांसद नुसरत जहां के मंगलसूत्र पहनने पर जारी किए गए मुसलमान फतवे पर जोरदार तंज कसा है। साध्वी प्राची ने कहा कि यदि मुस्लिम महिलाएं किसी हिंदू से शादी कर लें और उसके बाद बिंदी मंगलसूत्र पहने तो ये मुसलमान मौलवी उसे हराम कह देते हैं, किंतु अगर कोई मुसलमान लव जिहाद के बाद हिंदू युवती से शादी कर उसे बुर्का पहनाते हैं वह हराम नहीं है, वह जायज हो जाता है। साध्वी के इस बयान पर एक दूसरे मुसलमान धर्मगुरु मौलाना करी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता है और वो चर्चा में बने रहने के लिए ऐसा कह रही हैं। इसी मामले में जमीयत दावतुल मुसलमीन के संरक्षक व प्रसिद्ध आलिम दीन कारी इसराक गोरा का कहना है कि शरीयत कतई इसकी इजाजत नहीं देता कि कोई भी व्यक्ति किसी की निजी जिंदगी में दखलअंदाजी करे। जी बिल्कुल। वैसे आपको क्या लगता है, किसी के पहनावे को धर्म से जोड़ना क्या सही है? कहने को तो हमारा देश की छवि एक तरक्की करते हुए देश की दिख रही है और आज महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं, पर कभी कुछ ऐसे मामले हमें सच्चाई का आईना दिखा देते हैं और इस छवि को धुंधला कर देते हैं। वैसे तो हर किसी को एक दूसरे की व्यक्तिगत जिंदगी का सम्मान करना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि जल्द ही ये धुंधली तस्वीर साफ हो जाएगी, हम लेते हैं इजाजत और आप देखते रहिए खबर इंडिया।